वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं सईदा शमसा शाह और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, जो कि काफ़ी देर के बाद मेरा आज व्लॉग आ रहा है। मेरे जो सब्सक्राइबर्स थे, मेरे जो फॉलोअर्स हैं, वो मुझे इतना ज़्यादा कह रहे हैं कि कहाँ गायब हो गई हूँ। आप सबको पता है कि मैं जॉब पे होती हूँ और फिर घर को देखना एंड बच्चे को, हस्बैंड को भी, वो भी एक बच्चा ही होता है, तो इनमें मैं इतनी गुम हो गई हूँ और मैं अपने YouTube चैनल, अपनी YouTube फैमिली को भूल गई हूँ, जो कि अभी मुमकिन नहीं है। मैं वापस आ गई हूँ और अभी हम फुल टाइम देंगे अपनी YouTube फैमिली को। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने मज़ेदार सा डिनर बना लिया है। एक्चुअली मैं आज जो है ना, मैंने एक हल्का सा डिनर इसलिए बनाया कि कल मैं पाकिस्तान जा रही हूँ, तो ट्रैवल करने से पहले जो हम रात को हल्का सा डिनर कर लेंगे। ये हैं जी राइस, जो कि हैं अज़रबैजान के राइस। मेरे भाईजान ही अज़रबैजान है, वहाँ से ये राइस आए थे, शबाज़ के कोलीग लेके आए थे, और ये इनका टेस्ट बहुत मज़े का है। और साथ मैंने जो है ना ऐसे मिक्सा वेजीज डाल के और चिकन डाल के मैंने जो है ना इसके साथ बना लिया, सालन सा बना लिया, तो ये बड़ा मज़े का हो गया। और इसके बाद जो है मैं तैयारी करूंगी, क्योंकि कल मैं जा रही हूँ पाकिस्तान। ये भी अचानक से मेरा प्रोग्राम बना है, मैंने नहीं जाना था पाकिस्तान, पर मुझे किसी ने ऑफ़र की कि ये लो टिकट और आ जाओ, तो बस मैं जो है ना जल्दी से रेडी हो गई। और मेरा ये सारा पाकिस्तान का ट्रिप, जो कि इंशाल्लाह से कल से स्टार्ट होगा, और आपको मैं साथ रखूँगी, साथ दिखाऊँगी मैं आपको, ये मुझे सरप्राइज़ ही मिला है। तो मैं इस सरप्राइज़ को, मैंने आपके लिए भी सरप्राइज़ रखा था, तो अभी जो है मैं कल से इंशाल्लाह पाकिस्तान जा रही हूँ। और क्यों जा रही हूँ, क्या वजह है, तो ये तो मैं आपको जाके ही वहाँ बताऊँगी और आपको पता चल जाएगा मेरे व्लॉग से। इसलिए आप जो है ना मेरे व्लॉग्स अपने सारे काम छोड़ के ना देखने हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जी, हाँ, हमारा खाना रेडी हो गया है। मुझे राइस का पता नहीं था कि राइस का टेस्ट कैसा होगा, तो शबाज़ तो कह रहे थे बहुत मज़े का है, लेकिन मैंने इसे पहले टेस्ट नहीं किए थे, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं अपने लिए रोटी भी साथ बना लेती हूँ, नान था, तो खैर मैंने रोटी तो खाई नहीं, लेकिन जब मैं राइस खाना शुरू किया तो मेरे राइस इतने मज़े के थे। ये तो ये छिलके के साथ हैं, ये ब्राउन इसलिए हैं क्योंकि इनके ऊपर छिलका सा है, लेकिन ये छिलका खाया जाता है कुछ ऐसा ही। एंड ये है जी नेक्स्ट मॉर्निंग, और अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ, और मैं और अमार रेडी हो चुके हैं, और शबाज़ नहीं साथ जा रहे, हम दोनों ही बस जा रहे हैं, तो इसलिए हम दोनों रेडी हो गए हैं, और अभी हम एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले हम ले लेंगे यहाँ से नाश्ता, क्योंकि हम दोनों ने नाश्ता नहीं किया हुआ, हम तीनों ने नाश्ता नहीं किया हुआ, तो यहाँ से बस नाश्ता ले लेंगे। और सामान वगैरह हमने रात को ही सारा पैक कर लिया था, तो अब भी बिल्कुल मूड नहीं था, हालांकि जो है ना फ़्लाइट जो है वो 2:30 बजे है, लेकिन फिर भी मुझे तैयार होने में बहुत देर लगती है, क्योंकि लड़कियां हैं और टाइम लेती हैं तैयार होने में, इसलिए हमने सोचा कि नाश्ता बाहर से ले लेते हैं, और नाश्ता करने के बाद हम पहुंचेंगे सीधा एयरपोर्ट, और सबसे पहले सामान बुक करवाएँगे अपना। टर्किश खाना आ गया है, क्योंकि मैं टर्किश एयरलाइन के साथ ही सफ़र करती हूँ, हमें ये सूटेबल यही होती है। तो शुक्र है कि सामान भी अच्छे से बुक हो गया था, क्योंकि इस दफ़ा मेरी और हमार की 2 टिकट्स हैं, हमारा 2 साल का हो चुका है, तो उसकी पूरी टिकट होती है, तो मुझे ना काफ़ी सामान मिल जाता और कोई मसला नहीं हुआ था। थोड़ा सा मेरा कम था सामान, और जो है मतलब अच्छे से बुक हो गया। बस एक मसला हुआ कि मेरे एयरपोर्ट पे ना उन्होंने चेकिंग की और मेरा मेकअप कुछ गिरा दिया, जिसको मुझे बड़ा ही जो है ना दुख हो रहा था। तो मैंने एक काम बहुत अच्छा किया, अमार के लिए मैं ले आई थी साथ फ़ोन, तो वो फ़ोन देखता रहा और बड़ा ही खुश था पूरा सफ़र। तो ये देखें जी, अभी हमारी लैंडिंग हो रही है, कितना मज़े का जो ये नज़ारा है पाकिस्तान की लाइट्स,
और अमार भी देखें कितना खुश है, बड़े ही अच्छा इसने बहुत इंजॉय किया। मैं तो हैरान थी कि अमार इतना इंजॉय कर रहा है। तो फाइनली लैंडिंग हो चुकी है और ये तो सबको समझ आती है कि लैंडिंग होते ही जो है ना सारे जो पैसेंजर होते हैं खड़े हो जाते हैं। और अच्छा ये हुआ कि सामान भी मुझे जल्दी से मिल गया और जल्दी से मैं बाहर आ गई। अम्मी वगैरह आए हुए थे लेने के लिए और उसके बाद मैंने शॉपिंग स्टार्ट कर दी। ये देखें जी कितना प्यारा ब्यूटीफुल ड्रेस मेहंदी का, बारात का। और मैं आपको क्या हिंट दूँ कि मैं क्यों आई हूँ पाकिस्तान, तो इसे आपको काफ़ी पता चल गया होगा। फाइनली मैं रात को घर पहुँची और इतना अच्छा वेलकम किया फिज़ा मरियम ने, नूर ने और बाकी घर वालों ने भी, और जितने भी मेरे बहन भाई थे सारे आए हुए थे, क्योंकि जी फिज़ा की शादी है और मैं पाकिस्तान शादी के लिए आई हूँ। फाइनली मैंने आपको बता दिया कि मैं पाकिस्तान क्यों आई हूँ। मैं आई हूँ जी फिज़ा की शादी के लिए और फिज़ा ने मुझे बहुत इंसिस्ट किया था कि पप्पू आ जाए आ जाए आ जाए, तो मैंने कहा कि मुझे तो बस बुलाने वाले हो, मैं तो पहुँचाऊँगी। तो यहाँ पे जी भाभीयों ने बहुत मज़े का और मरियम ने भी बहुत मज़ेदार सा डिनर ऑर्गेनाइज़ किया। मैं तो पहले इतना फूडी हूँ और मुझे तो खाना देख के ज़्यादा ही भूख लग जाती है, और हमेशा की तरह टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़े का था। और हम सब इकट्ठे हुए थे तो और ज़्यादा मज़ा आता है ना, जब सब आप कि फैमिली वाले सब आए हों इकट्ठे हों तो कितना ज़्यादा मज़ा आता है। तो खाना तो बस बहाना ही होता है, बाकी तो गप्पे लगाना होता है। हमने खूब गप्पे लगाए और सब मुझे देख के खुश हो रहे थे और मैं उनको देख के खुश हो रही थी। तो हमें जो है ना सबके साथ मिलके बैठो ना और खाना खाओ तो खाने का टेस्ट और ज़्यादा हो जाता है, मैं तो ऐसा समझती हूँ। तो बहुत ही हमें मज़ा आया और खाना वाकई बहुत मज़े का था। और अभी हमें बस यही बातें कर रहे थे कि सुबह कल परसों क्या क्या करना है, कैसे सब कुछ अरेंज करना है। मैंने शॉपिंग और करनी थी, वैसे तो मैं आई थी और आते साथ ही मैंने शॉपिंग की, लेकिन अभी मैं जो है और भी मुझे शॉपिंग करनी है और आपको सारे दिखाने हैं। मैंने व्लॉग्स भी, और शादी के लिए आई हूँ तो डेफिनेटली शादी भी आपको दिखाऊँगी। तो इसके लिए आपने रहना है साथ, अपना खाना चाहे आप छोड़ दें या फिर आप टीवी लगा के ना उसके सामने खाना लेके आके बैठ जाएं, और मेरे व्लॉग्स आपने मिस नहीं करने, ठीक है। और साथ मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करने हैं। तो इंशाल्लाह से मैं मिलूंगी आप नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफिज़।